से 7 जनवरी के बीच नागपुर में होने वाली इंडियन साइंस कांग्रेस में उपस्थिति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यार्थियों, पीएचडी शोधार्थियों और शिक्षकों पर दबाव बनाने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार प्रकुल गुरु संजय दूधे और स्थानीय सचिव डॉ. गोवर्धन खड़ेकर द्वारा हाल ही में सभी विभाग प्रमुखों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए कि सभी विभागों में कार्यरत नियमित शिक्षक, कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों के लिए इस आयोजन में उपस्थिति अनिवार्य है ही, साथ ही विभाग के विद्यार्थियों और पीएचडी शोधार्थियों को भी इसमें उपस्थित रहना है। अब समस्या यह है कि इस कार्यक्रम के पंजीयन का विद्यार्थियों को 1200 रुपये और अन्य को 2000 रुपये शुल्क भरना है, लेकिन शोधार्थियों तक जो जानकारी पहुंची उसमें उनसे 3000 रुपये तक मांगे जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ी हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।